आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखो क्या दिया है, ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह केम गिवन समथिंग। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, तो इसको हमको एक आइडेंटिटी में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लेते हैं पहले, तो फर्स्ट वी हैव टेकन ए माइनस बी, और यहां पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और बाकी को ब्रैकेट में रख दिया, तो दिस इज माइनस, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचा, ए स्क्वायर, और प्लस है यहां पर, तो माइनस अगर बाहर ले लिया तो प्लस हमारा कैसे होता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, है ना, तो यहां पर हमारा माइनस होगा, तो दिस विल कम एज माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है हमारी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाले फॉर्म को हमको इसमें लिखना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में आपका आएगा ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपका आएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम कॉमन एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो अब ये देखो दो दो टर्म्स है अलग अलग, बीच में माइनस है, तो यहां पर आपका ए माइनस बी इज कॉमन, तो आपका ए माइनस बी इज कॉमन, तो अब आपका यहां पर क्या बचा, वन, है ना, वन इंटू ए माइनस बी इज ए माइनस बी, तो यहां पर आपका बचा वन माइनस, और यहां पर बचा आपका ए प्लस बी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो आपका देखो क्या आएगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में वन माइनस ए माइनस बी, तो ये दो आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, और यहां पर है माइनस फोर ए सी, तो आप देखो यहां पर जो ये कॉमन वाला है, जो मिक्सचर है दो लोगों का, दैट इज ए एंड सी, तो तीनों को कंबाइन करना है आपको, तो दिस इज ए, ये कंबाइन एंड दिस इज योर सी, तो ये देखो ए प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा कैसे आएगा, इफ वी राइट लाइक दिस, ए माइनस टू सी होल स्क्वायर, ए माइनस टू सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और क्या बच गया आपका, माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये देखो कौन से फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए दी है आपका फुल ए है, तो क्या हो गया आपका, ए माइनस टू सी माइनस बी, एक फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज ए माइनस टू सी प्लस बी, ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया। यहां पर देखो नाइन माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर देखो कंबाइन में आपका ए बी इज देयर, दैट मीन्स आपको इसको कंबाइन करना है फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाइन को नाइन लिख देंगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का अगेन प्लस, तो ये देखो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 9 माइनस और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगेन देखो ये आपका इसी फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक बार माइनस लिखना है एक बार प्लस, तो यहां पर आ जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड में आएगा 3 प्लस a माइनस बी, सेकंड फैक्टर हो गया, ब्रैकेट को ओपन करो तो देखो क्या आएगा, 3 माइनस a माइनस इंटू माइनस इज प्लस प्लस बी, और सेकंड वाले में क्या आएगा 3 प्लस a माइनस बी, ठीक है। तो ये दो आपके फैक्टर्स हो गए।